हेलो बच्चों, बेटा आज थोड़ा सा गैप रहा। कुछ पर्सनल वर्क की वजह से आप ही लोगों के लिए टेक्निकल प्रिपरेशन की जा रही है, बट आज उस गैप को भरा जाएगा। आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में ही नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, जो कि रहेगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोल मोल कैलकुलेशन। बेटा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर आप देखते हैं तो ये काफी बार पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी भी रहती है। किसकी? लिमिटिंग रिएजेंट की। और ये टेक्निक जानना बहुत जरूरी है, जो मैंने उसके बाद में बोला, जिसको बोलते हैं मोल मोल कॉन्सेप्ट या मोल मोल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी? लिमिटिंग रिएजेंट की। और साथ में ही चिपकाए चलते हैं किसको? मोल मोल कॉन्सेप्ट को। बेटा, जो मोल मोल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं किसको? लिमिटिंग रिएजेंट को। अब जरा सबसे पहले तो जाने हम कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और क्या होता है मोल मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं कोई एक जनरल रिएक्शन ले लूं जिसमें ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल और डी का डी मोल प्रोड्यूस हो रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू मोल मोल कैलकुलेशन, बहुत ही आराम से देखें इसको, अकॉर्डिंग टू मोल मोल कैलकुलेशन, मोल मोल कैलकुलेशन, बेटा मोल मोल कैलकुलेशन बोलता है कि जो मोल ऑफ ए अपॉन कैप स्मॉल ए होगा वो बराबर होगा मोल ऑफ बी अपॉन स्मॉल बी, मोल ऑफ सी अपॉन स्मॉल सी और मोल ऑफ डी अपॉन स्मॉल। मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल को उनके करेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, ये वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं, ऐसा मोल मोल कॉन्सेप्ट बोलता है। और ऐसा आपको भी मान लेना है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे प्रूफ करके दिखा दूंगा। ये तो रहा मोल मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं बात कर देता हूं सबसे पहले कि क्या होता क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। पहले हम ये जान लें कि होता क्या है, उसके बाद बाकी चीजों पे बहुत आसानी से वर्क कर लेंगे, क्योंकि बिना ये जाने कि होता क्या है उसको निकाल पाना असंभव के बराबर है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एज्यूम कर लीजिए कि कोई रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और अमोनिया को प्रोड्यूस करता है, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और अमोनिया को प्रोड्यूस करता है और हम इसके मोलर कॉफिशियंट को देखें, तो साफ साफ पता लगता है कि 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेता है 3 मोल हाइड्रोजन। अगर हमें मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम सिंपली इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हमने मेथड 1 में आपको सिखा रखा है। 1 मोल की बात करें तो 1 मोल का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मींस 28 ग्राम नाइट्रोजन टेक्स 2 × 3, बिकॉज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन लेता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में 26 ग्राम भरा हुआ है नाइट्रोजन और 6 ग्राम भरा हुआ है हाइड्रोजन। तो आपने देखा था कि 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत थी 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए, लेकिन यहां बताओ कि नाइट्रोजन 28 ग्राम है? नहीं है, सिर्फ कितना है? 26 ग्राम है। मींस हाइड्रोजन के खत्म होने से पहले रिएक्शन में नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा
और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कोई भी एक अगर पहले खत्म हो जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रुक जाएगा, क्योंकि अमोनिया को बनने के लिए नाइट्रोजन की भी जरूरत है साथ साथ हाइड्रोजन की भी जरूरत है। अगर मैं पूरी दुनिया का नाइट्रोजन ले आ लूं और हाइड्रोजन सिर्फ 6 ग्राम ले आऊं तो क्या अमोनिया बनता रहेगा? नहीं बनेगा। अमोनिया सिर्फ तभी तक बनेगा जब तक कि रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं। तो मैं फिर पीछे जा जाता हूं, मैंने देखा था कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहता था। अब यहां मैंने देखा कि 26 ग्राम नाइट्रोजन है और 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन तो लगता था 28 ग्राम के लिए, लेकिन यहां 26 ही है, यानी कि नाइट्रोजन पहले खत्म हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाता है उसे ही बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, उसे ही बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और ध्यान रखना एक बात कि जो पहले खत्म हो जाएगा उसी से प्रोडक्ट डिसाइड होता है, उसी से प्रोडक्ट निर्धारित होता है, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है तभी तक प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे ही नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया का हाइड्रोजन बचा क्यों न रहे, आगे अमोनिया का फॉर्मेशन बाढ़ हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं बनेगा। सरकार अगर मैं यहां बात किया तो यहां मैंने लिमिटिंग रिएजेंट बोल दिया नाइट्रोजन को। सपोज करिए कि एक दूसरा चैम्बर है हमारे पास जहां पर 30 ग्राम है नाइट्रोजन और हमारे पास 6 ग्राम है हाइड्रोजन। तो फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिएक्शन वी हैव सीन दैट 28 ग्राम नाइट्रोजन नीडेड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, बट यहां हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो 6 ग्राम है लेकिन नाइट्रोजन 28 ग्राम से 2 ग्राम ज्यादा है, यानी कि जब ये रिएक्शन इस चैम्बर में होगा तो हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6 ग्राम सिर्फ कितने तक चल पाएगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन तक चल पाएगा, उसके आगे नहीं। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कोई भी एक खत्म हुआ नहीं कि अमोनिया का बनना रुक जाएगा, यानी कि यहां पहले खत्म हो जाएगा कौन? हाइड्रोजन। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। और फिर मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड ओनली एंड ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। After finishing the amount of limiting reagent, even not a single milligram of product can be formed. इतनी बात आप ध्यान रखना। Means किसी भी reaction में जब आप product बनाएंगे तो product is always, always, always decided by the limiting reagent. बेटा इतनी बात जब खत्म हुई तो यहां से मैंने define करके आपको समझा दिया कि क्या होता है limiting reagent. अब गौर से बात को समझना और यहां पर देखना कि दुनिया क्या करती है और आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है जो दुनिया करती है। ये बात, तीन बातें मैंने बोली, दुनिया क्या करती है, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है जो दुनिया करती है। अब जरा आप देखिए, सपोज करिए कि मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं और इस क्वेश्चन में आपसे बोल देता हूं बेटा कि मान लीजिए कि कितना है, सपोज कर लेता मैं कि 54 ग्राम नाइट्रोजन है एक चैम्बर में और उसी चैम्बर में मान लिया कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है। अब हमसे पूछता है दो बातें, हमसे कहता है कि सबसे पहले पहचानो कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरी बात पूछता है कि अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, दूसरी बात हमसे पूछता है अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितना अमोनिया बनेगा। तो जरा देखिए दुनिया कैसे करती है इसको, सबसे पहले देख लीजिए यूनिटरी लॉ का इस्तेमाल करती है। दुनिया लिखती है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेता है 3 मोल हाइड्रोजन, मींस 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेता है 6 ग्राम हाइड्रोजन, मींस 1 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेगा 6/28 ग्राम हाइड्रोजन, लेकिन 1 ग्राम नहीं है 54 ग्राम है, तो 54 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेगा 6/28 इंटू 54 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहां से साफ सुथरी बात पता चलती है, 6/4 = 24 और 6/5 = 30 और 2 कितना हो जाएगा 32/28,
ये अगर हम सॉल्व करें तो ये 10 से ज्यादा आएगा, जबकि हाइड्रोजन सिर्फ कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। मीन्स 54 ग्राम नाइट्रोजन को हम को कंप्लीट रिएक्शन के लिए इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। एंड दिस वैल्यू इज क्लियरली रिप्रेजेंट्स दैट इट इज ग्रेटर देन 10, जबकि रिएक्शन में हाइड्रोजन है कितना, 10। तो चाहिए 10 से ज्यादा और है 10, तो कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम है। यहां से पता लग गया कि हाइड्रोजन था लिमिटिंग रिएजेंट, और जब हाइड्रोजन था लिमिटिंग रिएजेंट तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड ओनली बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। भाई हाइड्रोजन ये 10 ग्राम है तो तभी तक अमोनिया बनेगा जब तक ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये चाहे पूरी दुनिया का नाइट्रोजन क्यों ना ले आ दूं, प्रोडक्ट तभी तक बनेगा जब तक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मौजूद हैं। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यानी ये पहले खत्म हो जाएगा, और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद अमोनिया का बनना रुक जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का पहचानने का तरीका एक ये है, जिसे मैथ के लैंग्वेज में बोलते हैं यूनिटरी लॉ, बट मैं इस तरह से पहचानने पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब तक दो रिएक्टेंट है तब तक तो ये बात चलेगी। अगर एग्जामिनर ने 3 रिएक्टेंट कर दिया तो आपकी बैंड बजा देगा, उस वक्त हम कैसे बचेंगे, हमने पीछे आपको सिखाया, उस वक्त हम बचेंगे मोल मोल कॉन्सेप्ट से। जरा देखिएगा, मोल मोल कॉन्सेप्ट से आप पता करना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप देखो कैसे एक लाइन में आंसर आता है, मोल मोल कॉन्सेप्ट जरा देखना, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1, और इधर क्या निकाल देंगे अपन, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3। जब मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे सरकार, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम है, मोलर मास 2 है, यानी अब डिवाइड बाय 6। अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो ये जो है लगभग 2 के आसपास आएगा, लेकिन ये जरा देखिए 1.6164.40, तो 6 6 36, और ये 1.6 से ज्यादा होगा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 28 2 जा कितना हो जाता है 56। तो अब जरा देखना, मोल मोल कैलकुलेशन में जो वैल्यू छोटी आए, यानी अगर ये आ गया x, और अगर सपोज करो ये सॉल्व करने पे आता है y, तो अगर x इज ग्रेटर देन y तो y होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान से सुनना, और इफ y इज ग्रेटर देन x तो x होगा लिमिटिंग रिएजेंट। यानी मोल मोल कैलकुलेशन में जो वैल्यू छोटी आए वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं और y बोल दूं और इसे x बोल दूं, तो जान लेना कि मोल मोल कैलकुलेशन से रिएक्टेंट की तरफ जो वैल्यू छोटी आती है वही बताता है लिमिटिंग रिएजेंट को। बहुत ही साधारण सी बात है कि ये आएगा लगभग 1.6 एंड इट इज जस्ट ग्रेटर देन 1.6 एंड नियर अबाउट 2, तो जो छोटा हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और यहां से हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। हमें इतने बड़े कैलकुलेशन के थ्रू नहीं गुजरना है, हम इस मेथड से ही जान सकते हैं कि कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और याद रखना कि आपको इस मेथड का इस्तेमाल ना के बराबर करना है, आपको इसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वेश्चन को सही करने से भी ज्यादा जरूरी एक कॉम्पिटिटिव बच्चे के लिए होता है क्वेश्चन को कम समय में सही करना। अब हम आगे बढ़ेंगे, और हमसे दूसरा बात पूछ रहा था कि कितना हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन कितना बनेगा ये मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। जरा देखिए कैसे, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड ओनली बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। तो जरा देख लीजिए, अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट को डिसाइड करूंगा तो पता लगता है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बनता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर 3 मोल से बनता है 2 मोल, यानी कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से बनेगा 2 इंटू मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 इंटू 2 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो हाइड्रोजन इज नॉट 6 ग्राम, इट इज एक्चुअली 10 ग्राम। देन 10 ग्राम हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 2 इंटू 17 अपॉन 6 इंटू 10, एंड दिस इज द 17 टू 34 340 डिवाइड बाई 6, दिस इज द प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ अमोनिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, दिस इज द प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ अमोनिया। इसी बात को अगर बच्चा मोल मोल कैलकुलेशन से निकालना चाहे तो भी निकाल सकता है।
आप यहां इतनी बात अगर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो एक बेसिक बातें हो गई, अब मैं आपको सिखाता हूं कि इनपे कितने तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, कैसे उनको चंद मिनटों में सॉल्व किया जाए और कितने तरीके के अप्रोच बन सकते हैं, सारी चीजों को मैं वन बाय वन करके आपको बेटा समझाता हूं। मान लीजिए कि हमसे एक रिएक्शन लेता है और हमसे पूछता है कि सपोज क्वेश्चन में कहता है ए बी टू से रिएक्ट करता है और ए बी टू बनाता है, दे ऑल आर इन गैसियस स्टेट, और हमसे कहता है कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी, अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो तो उसे पहचान के बताओ। सबसे पहला केस देता है कि 300 एटम ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी टू, दूसरे केस में कहता है कि 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, तीसरे केस में कहता है कि 150 एटम ऑफ ए एंड 300 एटम ऑफ बी, और हमसे कहता है सपोज कि 2 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी टू, और सपोज हमसे कहता है कि 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी, हमें कहता है इन 5 केसेस में अगर रिएक्शन इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब यहां से जरा देखो, साफ साफ पता लगता है कि 1 एटम ऑफ ए रिक्वायर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी टू, चाहे बोलू 1 एटम ऑफ ए रिक्वायर्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी टू, चाहे बोलूं कि 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ बी टू, कोई मुझे रोक नहीं सकता ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि जब इसका 1 एटम इसका 1 मॉलिक्यूल खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका 1 मोल इसका 1 मोल खाएगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि 300 एटम ए है तो 300 मॉलिक्यूल बी का होना चाहिए, जबकि बी का कितना मॉलिक्यूल है, इट इज ओनली 200। बताओ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 एटम रिक्वायर्स 1 मॉलिक्यूल, तो 300 एटम विल रिक्वायर 300 मॉलिक्यूल, बट द गिवन मॉलिक्यूल इज नॉट 300 इट इज 200, तो कौन पहले खत्म हो जाएगा, बी टू, जो पहले खत्म हो जाता है श्रीमान वही क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। आ जाइए अब हम चेक करते हैं सेकंड केस को, कहता है कि 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, बहुत ध्यान से देखना कोई बेवकूफी मत करना, दिस इज बी नॉट बी टू। अब जरा देखो कि अगर बी टू के 1 मोल में बी का 2 मोल होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी कि जितने मोल बी होगा उसका ठीक आधा मोल हाफ मोल बी टू होगा, ध्यान रखना। तो बी कितने मोल है, बी 1 मोल है, तो बी टू के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, 0.5 मोल हो जाएंगे। हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ बी टू, बट हियर 1 मोल ऑफ ए बट ओनली 0.5 मोल ऑफ बी टू, दैट्स व्हाई अगेन बी टू इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आगे देखिए 150 एटम ऑफ ए एंड 300 एटम ऑफ बी, 300 एटम ऑफ बी मींस 150 मॉलिक्यूल ऑफ बी टू, ध्यान रखना जितने एटम होंगे बी के ठीक उतने आधे मॉलिक्यूल होंगे बी टू के। अब देखो एक एटम रिक्वायर करता है 1 मॉलिक्यूल, मींस 1 एटम रिक्वायर्स 1 मॉलिक्यूल, देन वी कैन से दैट 150 एटम विल रिक्वायर 150 मॉलिक्यूल, means here no limiting reagent, in case 3 no limiting reagent, इसलिए question में बोला भी है कि identify limiting reagent if any, अगर कोई reaction में limiting reagent हो तो उसे पहचान करके आपको बताना है। आगे चलेंगे जब हम लोग, तो क्या कहता है 2 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी टू,
जरा देख लीजिए, वन मोल रिक्वायर्स वन मोल बी टू, वन मोल ऑफ ए रिक्वायर्स वन मोल बी टू, तो टू मोल ऑफ ए रिक्वायर्स टू मोल ऑफ बी टू, बट द बी टू इज 2.5 मोल, मींस कौन पहले खत्म हो जाएगा, ए, सो ए इज लिमिटिंग रिएजेंट इन केस 4. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केस 5, 2.5 मोल ऑफ ए, 2.5, अब हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 5 मोल ऑफ बी दिया है, यानी कि तुम्हें एटम का मोल दिया है, बट इन द स्टैंडर्ड रिएक्शन यू नीड मॉलिक्यूल, मींस 5 मोल ऑफ बी विल गिव 2.5 मोल ऑफ बी टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जरा देख लीजिए, 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ बी टू, तो 2.5 मोल ऑफ ए विल रिक्वायर 2.5 मोल ऑफ बी टू. तो ध्यान रखना कि हियर अगेन नो लिमिटिंग रिएजेंट. उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. इसी तरह से मेरे पास इतने क्वेश्चन के जखीरे हैं, अगर पूरे दिन पढ़ाता हूं तो भी नहीं खत्म होगा, बट हम डायवर्सिटीज को कवर करेंगे, यानी हम उन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा उनमें कॉन्सेप्ट लगता है, और एक कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा. यूट्यूब पे हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें सारी डायवर्सिटीज को कवर करना है. अब अगर मैं आगे चलूं और आपसे बोलूं कि एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास और जिसे मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करें. सपोज वी हैव अ गैसियस चैम्बर वेयर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इज गिवन दैट 56 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑल्सो गिवन दैट 8 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस गैसियस चैम्बर. तो हमसे कहता है कि कैलकुलेट नंबर वन विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर टू प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज व्हाट अमोनिया, एंड नंबर थ्री कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट. लिख देता हूं एक बार, बार बार नहीं लिखूंगा. Amount of remaining reactant, if any, अगर कोई reactant reaction के दौरान बच जाता है तो कितना बच जाता है ये भी पता करो. देखो कितना आसान है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाता है अमोनिया. हम जानते हैं कि मोल मोल कॉन्सेप्ट दुनिया जानती है किसकी मदद से, यूनिटरी लॉ से, बट मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी भी यूनिटरी लॉ यूज नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा उसको. वो कैसे जानेगा, मोल मोल कॉन्सेप्ट की मदद से. मोल मोल कॉन्सेप्ट की मदद से लो मोल ऑफ नाइट्रोजन निकाल दो बेटा अपॉन 1 कर दो, और मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल दो बेटा और अपॉन 3 कर दो. अगर मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे तो हो जाएगा देखो 56 किलोग्राम है, अमाउंट शुड बी इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 28. व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन, इट इज आल्सो इन किलोग्राम, 8 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 6. यहां से साफ साफ पता लगता है कि दिस इज अबाउट 2000 मोल एंड दिस इज अबाउट 6, 2 4 जा 8, 4000 एंड 4000 इज डिवाइडेड बाय 6, तो ये 2000 से तो छोटा ही आएगा क्योंकि हो जाएगा 2000 अपॉन 3, यानी कि इन दोनों वैल्यूज में ये वैल्यू छोटी है. ये मैं बोल सकता हूं 2000 अपॉन 3 इज लेस देन 2000, और हम जानते हैं कि मोल मोल कैलकुलेशन की मदद से रिएक्टेंट की तरफ जो वैल्यू छोटी होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो मैं बोल सकता हूं सरकार कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा हाइड्रोजन. कौन है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट, याद रखिएगा. सबसे पहला काम खत्म हो गया, पहले वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा, हाइड्रोजन है. जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया वैसे ही अगली बात भी पता लग जाएगी. कैसे पता लग जाएगी, बहुत आसान है, कई तरीके हैं. देखो एक बार तो चाहे मोल मोल कॉन्सेप्ट निकाल दो चाहे जैसे निकाल दो. देखो चाहे यूनिटरी लॉ लगाओगे, लो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनाता है 2 मोल ऑफ अमोनिया. तो जरा देखिए 3 मोल बनाता है 2 मोल, तो 3 मोल का मतलब कितने ग्राम हो गया, 3 इनटू 2 ग्राम हाइड्रोजन बनाएगा 2 इनटू 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनाएगा
34 अपॉन 6 ग्राम ऑफ अमोनिया, बट द हाइड्रोजन इज नॉट 1 ग्राम, इट इज हाउ मच, 2000 मोल था, तो 2000 अपॉन 3 मोल था, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, यानी हाइड्रोजन इतना ग्राम, नो वेट, 8000 किलोग्राम है, यानी कि 8000 ग्राम, तो 8000 ग्राम हाइड्रोजन बनाएगा कितना, 34 अपॉन 6 इंटू 8000 ग्राम ऑफ अमोनिया, यहां से इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 34 इंटू 8 अपॉन 6 किलोग्राम, यानी कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी कुछ आएगा, दिस इज द आंसर। यहां से हम पता कर लिए कि अमोनिया कितना बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा 34 इंटू 8 अपॉन 6 किलोग्राम। अब हमारे पास बचा तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्या, जरा देख लीजिए कि अगर कोई रिएक्टेंट बच रहा है तो कितना बच रहा है ये बताइए। तो याद रखिए जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है वही बचेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन नहीं है ये पता लग चुका है, यानी नाइट्रोजन बचेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेता है 3 मोल हाइड्रोजन, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेता है 6 ग्राम हाइड्रोजन, इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं लिख सकता 28 किलोग्राम नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए लेगा 6 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 28 किलोग्राम, अब जरा देख लीजिए लिमिटिंग, अब हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन हमारे पास है 8 किलोग्राम, तो 8 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिक्वायर्स 28 अपॉन कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे 8 जा 64, यानी 4 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 और 4 44 और 6 7 जा 42 26 37.3 किलोग्राम के अप्रॉक्स, यानी कि 8 किलोग्राम हाइड्रोजन 37.3 किलोग्राम नाइट्रोजन को खाएगा, तो कितना बच जाएगा, पहले कितना था 56 किलोग्राम, कंज्यूम कितना हुआ बाय द 8 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कंज्यूम 37.3, तो बचा कितना 0.7 कर देंगे 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा 50 और 6, यानी कि 12 और 6 18, 18.7 किलोग्राम के आसपास बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, ये था एक तरीका, इस तरह से भी क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं जिसमें हमसे पूछता है कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, और हमसे पूछेगा क्या कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और तीसरी बात हमसे पूछेगा कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को बताओ। तो हम इन बातों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक बच्चे से क्वेश्चन बनेगा, वो मुझसे पूछेगा कि सर आपने बोला था कि मोल मोल कॉन्सेप्ट में, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1 बराबर होता है मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3, बट यहां आप जब लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हो तो कहते हो कि जो छोटा है वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अरे बेटे, ये बराबर होता है और छोटा होता है, दोनों बातें एक साथ तो पॉसिबल हो नहीं सकती। बराबर तब होता है जब रिएक्शन मोलर रेशियो में हो, और कम ज्यादा कब हो जाएगा, जब रिएक्शन मोलर रेशियो में नहीं हो रही हो, तो देखो यहां अमाउंट मोलर रेशियो में नहीं है इसलिए कम ज्यादा आ जाता है, तो बराबर भी हो सकता है कम ज्यादा भी हो सकता है। कम ज्यादा कब होगा, जब रिएक्शन मोलर रेशियो में नहीं हो रही होगी। बराबर कब होगा, जब रिएक्शन मोलर रेशियो में हो रही होगी। और लिमिटिंग रिएजेंट का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटी तभी है जब रिएक्शन मोलर रेशियो में ना हो रही हो, ये बात ध्यान रख लेना। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि इसका मोल मोल कैलकुलेशन करो, दोनों में जो वैल्यू छोटी हो उसको तुम क्या बोल देना, बिना सोचे समझे बोल देना लिमिटिंग रिएजेंट, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते रहो, और कोई भी आपको उलझा
नहीं पाएगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब जरा हम लोग देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को उठा लेते हैं क्योंकि हमारे पास लगातार समय कम हो रहा है और हम अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ले आ रखा है रिटन फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज हमें कहता है कि एक रिएक्शन तीन स्टेप में हो रही है, स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री। स्टेप वन में कहता है कि सोडियम का आयोडाइड है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर का आयोडाइड बनाता है और NaNO3 बना देता है। स्टेप टू में कहता है कि 2 मोल सिल्वर का आयोडाइड रिएक्ट करता है आयरन से और बना देता है FeRe2 और दे देता है 2 मोल ऑफ सिल्वर। और स्टेप थ्री में बोलता है कि 2 मोल ऑफ FeRe2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ क्लोरीन एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ FeCl3 एंड 2 मोल ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन कहता है कि स्टेप वन की 254 किलोग्राम आयोडीन के लिए कितना AgNO3 लगेगा। क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमें अगर बनाना है 254 किलोग्राम ऑफ आयोडीन तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ AgNO3 इज रिक्वायर्ड। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, आयोडीन बन रहा है स्टेप थ्री में, AgNO3 बन रहा है स्टेप वन में, यानी कि इन स्टेप थ्री टू प्रोड्यूस 254 किलोग्राम आयोडीन हाउ मच अमाउंट ऑफ AgNO3 इज रिक्वायर्ड इन स्टेप वन। तो जरा देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। हम मोल मोल कैलकुलेशन लगाएंगे और स्टेप थ्री से चलते हुए स्टेप वन तक जाएंगे। कैसे, हम पहले पता लगा लेंगे कि इतने किलोग्राम आयोडीन के लिए कितना लगेगा आयरन, फिर हम पता लगा लेंगे इतने आयरन के लिए कितना लगेगा AgI, फिर हम पता लगा लेंगे इतने AgI के लिए कितना लगेगा AgNO3। तो बताओ इससे लिंक हो गया कि नहीं। इससे अप्रोच करेंगे इस पे, इससे अप्रोच करेंगे इस पे, इससे अप्रोच करेंगे इस पे, कैसे जरा देखो। मैं बोल देता हूं कि मोल ऑफ I2/2 is equals to mole of FeI2/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि मोल ऑफ I2 जो होगा वो बराबर होगा मोल ऑफ FeI2। अब मोल ऑफ I2 है वो कितना है बेटा, 254 किलोग्राम की बात कर रहा है। अब 254 किलोग्राम यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 254 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 1000 और इसका जो मोलर मास होता है वो 254 ही होता है, 254 यानी 127 होता है एक आयोडीन का। तो ये कितना हो गया, 1000 मोल हो गया। मींस आइदर आई सेड 254 किलोग्राम ऑफ आयोडीन और चाहे मैं बोलूं कि 1000 मोल ऑफ आयोडीन, मींस हमें मोल ऑफ FeI2 पता लग गया, यानी कि मोल ऑफ FeI2 कितना हो गया, 1000 मोल हो गया। अब हम स्टेप टू में चले जाएंगे। स्टेप टू में जैसे जाएंगे तुरंत लिखेंगे हम क्या कि मोल ऑफ FeI2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ AgI/2। ये कितना था बेटा, 1000 इंटू 2 कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास, AgI का मोल आ गया। जैसे ही मोल ऑफ AgI आ गया तो स्टेप वन से इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट स्टेप वन बोलता है कि मोल ऑफ AgI जो होगा श्रीमान वो बराबर होगा किसके, मोल ऑफ AgNO3 के। अब मोल ऑफ AgI कितना आया है पूरी दुनिया जानती है, 2 × 1000 मोल आया है। तो मोल ऑफ AgNO3 हमको पता लग गया, मोल पता लग गया हमको तो मास पता लग जाएगा। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा मास ऑफ AgNO3 कितना हो जाएगा बोलो, 2 × 1000 दिस मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास Ag का होता है 108, नाइट्रोजन का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 48 48 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। 8 × 8 कितना हो गया 16 और 16 × 20 का 0 हाँ पर 2 4 1 5 और 5 2 7 यानी 170 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 170। दिस इज ग्राम बट वी डोंट नीड ग्राम, वी नीड किलोग्राम डिवाइड बाय 1000। तो 17 × 34 यानी 340 किलोग्राम।
अगर मैं स्टेप वन में 340 किलोग्राम AgNO3 लूंगा तभी जाकर के स्टेप थ्री में मुझे 254 किलोग्राम आयोडीन मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मोल मोल कॉन्सेप्ट को ही यूज करके यहां से चीजों को रिलेट करते हुए ऊपर तक जा रहे हैं और ऊपर तक जाकर के आंसर निकाल रहे हैं। कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मोल दिया है, मास चाहिए, वी विल मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। कैसे? मेथड वन में मैंने सिखाया था कि मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो यही तो पूछता हूं, मोल दिया है, मास चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मास दिया है, मोल चाहिए, तो डिवाइडेड बाय द मोलर मास। यही सब करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आपको समझाता हूं। अब आगे चलते चलेंगे तो हम देखते जाएंगे कि हमें कितने तरह की डायवर्सिटीज न्यूमेरिकल्स में मिल सकती हैं और कितने तरीके के कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल में यूज कर सकता है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, एग्जाम हाउस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उसको हम एक और न्यूमेरिकल सिमिलर उठा लेते हैं और देखते हैं कि आप इसको करते हैं या नहीं करते हैं, समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। इसमें देखो एक आपको ट्रिक खेलेगा, वो कहेगा कि NX is produced इन फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें NX प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? स्टेप वन में देता है M+X2, it gives MX2। स्टेप टू में देता है MX2+X2 gives M3X8। और स्टेप थ्री में दे देता है M3X8+।